हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाए हैं। उसमें हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म कर दिए हैं। बच्चों, हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एनसीईआरटी से है, क्लास 10th की मैथ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन मेरा क्या है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। बच्चों, हमको बताना है कि ये फर्स्ट पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा और उसका रीजन देना है, और सेकेंड पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनना है उसका रीजन देना पड़ेगा, थर्ड पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका रीजन देना है। चलिए बच्चों, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन क्या है? -1, -2 और क्या है? 1, 0 और क्या है? -1, 2 और क्या है? -3, 0। जैसा ऐसा आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के पार्ट में हमको बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। चलिए बच्चों, कैसे इसको पता करने के लिए सबसे पहले उसको हम पॉइंट मान लेते हैं। इसको पॉइंट ए मान लिया, इसको पॉइंट बी मान लिया, इसको पॉइंट सी मान लिया, इसको पॉइंट डी मान लिया। अब बच्चों, हमको ए बी बी सी सी डी ए डी का हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस निकालने से ही हमारा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। चलिए बच्चों, हम निकालते हैं पहले ए बी का डिस्टेंस। क्या बच्चों? ए बी का डिस्टेंस, बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो हम आप लोग को लिख देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब यहां से हम हर एक का डिस्टेंस निकालेंगे। बच्चों, ए बी का डिस्टेंस पहले निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ए बी का डिस्टेंस बच्चों, मान लीजिए हमारा हमारा ए बी ए है, इसमें x2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और माइनस x1 क्या है? -1 है, -1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों? 0 है। y1 क्या है? -2 है। y2 क्या है? -2 है। माइनस पहले से रहता है, -2 हो गया, -2 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, ऐसा ए बी का डिस्टेंस निकलेगा। अब यहां से क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 - - +0 - - + हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से ए बी कैसे निकलेगा बच्चों? ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 - 1 का 1 - 1 + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू 4 + 2 का स्क्वायर 4। ऐसा आप देख सकते हैं बच्चों, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू यहां से हो जाएगा 4 + 4 + 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। यहां से हमारा आ गया ए बी की वैल्यू। क्या आ गया बच्चों? ए बी की वैल्यू आ गया। क्या आ गया बच्चों? ए बी की वैल्यू हमारी आ गई। अब किसका निकालेंगे? बी सी, बी सी का वैल्यू क्या होगा बच्चों? यहां से बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप धैर्य रखिएगा। बी सी इक्वल टू क्या हो सकता है? थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे तभी हमारे बोर्ड में आ पाएगा बच्चों। बी सी
बीस इज इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ से एक्स टू क्या है बच्चों, माइनस वन है और एक्स वन क्या है वन है, तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई टू क्या है बच्चों, टू है, क्या है टू है, वाई वन क्या है जीरो है, तो माइनस जीरो का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू माइनस जीरो टू का स्क्वायर। यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस टू का स्क्वायर फोर। बी सी इक्वल टू क्या हो गया एट। अब एट को हम कैसे लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू टू रूट टू, टू रूट टू बच्चों, ये भी आ गया। यहाँ से हमारा बी सी की वैल्यू आ गई बच्चों। अब क्या निकालेंगे हम, बी सी आ गया, हम निकालेंगे ए बी बी सी सी डी, हम निकालेंगे सी डी की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालेंगे, सी डी का वैल्यू निकालेंगे। तो सी डी की वैल्यू कैसे आ जाएगा, रूट में सी डी, यहाँ से सी डी क्या हो जाएगा, सी डी एक्स टू क्या है माइनस थ्री है, क्या है माइनस थ्री, क्या है माइनस थ्री, एक्स वन क्या है माइनस माइनस वन है, इसका स्क्वायर प्लस। अब क्या है बच्चों, वाई टू क्या है जीरो है और वाई वन क्या है टू है, तो माइनस टू का स्क्वायर। यहाँ से सी डी की वैल्यू निकल के आएगी, तो सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, सी डी, सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर। सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर। अब सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस माइनस टू का स्क्वायर फोर, तो सी डी इक्वल टू क्या हो गया एट। सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू रूट टू। यहाँ से बच्चों सी डी की वैल्यू आ गई, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए डी का वैल्यू, किसका वैल्यू, ए डी, ए डी का वैल्यू निकालेंगे। ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट में, रूट में बच्चों ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी एक्स टू क्या है माइनस थ्री है, एक्स वन क्या है माइनस वन है, तो माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू क्या है जीरो है, यहाँ लिख देते हैं जीरो है, और वाई वन क्या है माइनस माइनस टू है का स्क्वायर। अब ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी इक्वल टू माइनस थ्री है माइनस माइनस प्लस वन का स्क्वायर प्लस जीरो जीरो प्लस टू का स्क्वायर। अब यहाँ ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, रूट में माइनस टू का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस टू है तो टू का स्क्वायर। यहाँ ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ए डी इक्वल टू टू का माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस टू का स्क्वायर फोर। ए डी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, हमारा एट आ गया, तो एट को हम क्या लिख सकते हैं, टू रूट टू। बच्चों हमने यहाँ ए बी बी सी सी डी ए डी की वैल्यू निकाल लिया, अभी बच्चों हमको दो वैल्यू और निकालना है, उसका वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम पहले वैल्यू नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ए बी, ए बी का वैल्यू क्या आया है बच्चों, टू रूट टू, और बी सी, बी सी का वैल्यू क्या आया है, टू रूट टू, ठीक है बच्चों टू रूट टू, और सी डी,
एडी का वैल्यू भी 2√2 आया है बच्चों, और एडी का वैल्यू भी 2√2 आया है। तो बच्चों हमने इसको इसलिए लिखा कि बच्चों अभी हमको AC और BD की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो गया कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल AB साइड, BC साइड, CD साइड, AD साइड, सबकी वैल्यू हमारा सेम आ रहा है। मतलब ये या स्क्वायर होगा या हमारा रोम्बस होगा। अब स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा उसके लिए हमको अभी इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। यदि डायगोनल सेम होता है तो स्क्वायर होगा, यदि डायगोनल सेम नहीं होता है तो रोम्बस होगा। तो डायगोनल निकालने के लिए हमको स्क्वायर अप करना पड़ेगा बच्चों। तो हमको अभी डायगोनल निकालना पड़ेगा। डायगोनल कैसे निकलेगा वो हम अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन लंबा हो सकता है बच्चों, आप लोग धैर्य रखिए, समझ में सब आएगा। तो बच्चों यहां से हम अब AC निकालेंगे। AC की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? AC की वैल्यू क्या हो जाएगा? X1 क्या है? -1 है। X2 क्या है? -1 है। इसका स्क्वायर प्लस Y2 क्या है? 2 है। Y1 क्या है? -2 है का स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में -1 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर। यहां से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? ये माइनस माइनस -1 +1 0 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 2, ये 2 2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 2 4, 2 2 4 का स्क्वायर। अब यहां से AC स्क्वायर टू क्या आ जाएगा बच्चों? 16 आ जाएगा। 16 का हम क्या ले सकते हैं? 4। तो हमारा बच्चों AC जो डायगोनल था वो AC की वैल्यू आ गया 4। अब बच्चों क्या है, अब हम किसका निकालेंगे? BD की वैल्यू क्या होगी बच्चों? रूट में, बच्चों क्या है? BD। X2 क्या है? -3 है। और X1 क्या है? -1 है। 1 है, माइनस लग जाएगा पहले से। और Y2 क्या है? 0 है। Y1 क्या है? 0 है। ठीक है बच्चों, यहां से स्क्वायर। तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा? -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब यहां से BD इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट में -4 का स्क्वायर 16 हो गया, इसका 0 हो जाएगा। तो BD इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 16 आ गया। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बच्चों हमने साइड साइड ए क्वाड्रिलेटरल का जो साइड निकाले, हमने AB का साइड क्या है? 2√2। क्वाड्रिलेटरल B साइड क्या है? BC 2√2। बच्चों चारों साइड क्या है? सेम है। क्या है बच्चों? सेम है। क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड सेम है। और जो डायगोनल आया क्या बच्चों? डायगोनल इसका AC और BD, AC और BD, ये भी क्या है बच्चों? 4 है। अब यहां से बच्चों देख सकते हैं, यदि साइड सेम हो, जो 2√2 आया है, और डायगोनल सेम हो, जो हमारा 4 आया है, तो बच्चों क्या बनेगा? इट्स मेक अ स्क्वायर। क्या बनेगा बच्चों? हमारा कोऑर्डिनेटर क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर। यदि बताओ डायगोनल अलग होता तो रोम्बस बनता। चलिए बच्चों हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट लेके चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या होगा बच्चों?
वहाँ हम देखेंगे। बच्चों क्वेश्चन लंबा हो सकता है लेकिन आप धैर्य रखिए, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन अब यहाँ बच्चों सेकेंड पार्ट लिखते हैं, क्या है सेकेंड पार्ट, क्या है बच्चों? -3.5 है, और क्या है 3.1 है, और क्या है 0.3 है, और क्या है बच्चों 1.-4 है। अब बच्चों हम इस पॉइंट से देखेंगे कि कौन सा वैल्यू कौन क्या बना रहा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो बच्चों हम इसको नाम ए देंगे, इसको नाम बी देंगे, इसको नाम सी देंगे, इसको नाम डी देंगे। अब बच्चों उसी तरह हमको निकालना पड़ेगा, साइड निकालना पड़ेगा। तो साइड कैसे निकलेगा वो हम अब देखेंगे। तो पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी फार्मूला जानते हैं क्या होता है, √(x2 − x1)² अब यहां से क्या हो जाएगा, ए बी x2 क्या है बच्चों 3 है, -x1 क्या है -3 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 है, y1 क्या है 5 है, -5 का स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 3 माइनस माइनस प्लस, ये 3 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 1 − 5 −4 का स्क्वायर। यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 3 = 6 का स्क्वायर प्लस −4 का स्क्वायर 16, क्या हो जाएगा 16, −4 का स्क्वायर 16। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 6 का स्क्वायर 36 + 16, क्या आया बच्चों ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 6 12 3 1 4 1 5, क्या आ गया बच्चों 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√13, क्या लिख सकते हैं 2√13। यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई। अब इसका वैल्यू निकालेंगे बी सी का वैल्यू, बी सी बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 क्या है बच्चों 0 है, x1 क्या है 3 है, तो -3 का 0 − 3 का होल स्क्वायर, एक्स वाई वन क्या वाई टू क्या है 3 है, और वाई वन क्या है -1 है, इसका स्क्वायर। अब इसको बी सी की वैल्यू निकालेंगे, बी सी की वैल्यू क्या हो गया बच्चों रूट में 0 − 3, −3 का स्क्वायर प्लस 3 − 1 2 का स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो बेसिक वैल्यू क्या आ गया बच्चों √13। अब बच्चों हम ए बी बी सी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। सी डी का वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चों, सी डी सी और डी, यहाँ से x2 क्या है बच्चों -1 है, और x1 क्या है 0 है, तो x1 क्या है 0 है, प्लस y2 क्या है -4 है, y2 क्या है बच्चों -4 है, और y1 क्या है 3 है, तो -3 का स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों सी डी इक्वल टू रूट में -1 का स्क्वायर प्लस −4 − 3 −7 का स्क्वायर। सी डी इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों −1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, तो क्या हो जाएगा सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 50, क्या हो गया बच्चों 50, क्या हो गया 50। अब इसको हम सी डी को क्या लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां से हम निकालेंगे किसका वैल्यू,
सीडी आ गया बच्चों, अब किसका निकालेंगे? एडी का। एडी, एडी का वैल्यू निकालेंगे बच्चों। एडी की वैल्यू क्या आएगी? ए और डी, ए डी तो एक्स टू क्या है बच्चों? यहाँ हमारा माइनस वन है, एक्स वन क्या है? माइनस थ्री है, माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ से वाई टू क्या है? माइनस फोर है, और वाई वन क्या है? फाइव है, माइनस फाइव का स्क्वायर। यहाँ ए डी स्क्वायर लुक क्या हो जाएगा बच्चों? रूट में माइनस वन माइनस माइनस प्लस थ्री, प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस फोर माइनस फाइव माइनस नाइन का स्क्वायर। यहाँ से ए डी क्या हो जाएगा बच्चों? रूट में ये माइनस वन प्लस थ्री, टू का स्क्वायर प्लस, अब माइनस नाइन का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? एटी वन। क्या जाएगा ए डी स्क्वायर टू क्या जाएगा बच्चों? टू टू फोर प्लस एटी वन। ए डी की वैल्यू क्या आ गया बच्चों? ए डी, ए डी क्या क्या आ गया बच्चों? एटी फाइव, रूट एटी फाइव बच्चों आ गया। अब यहाँ सब वैल्यू हम लिख लिख लेते हैं बच्चों। ए बी, ए बी की वैल्यू क्या आया है? टू रूट थर्टीन। बी सी, बी सी का वैल्यू क्या आया बच्चों? थर्टीन, रूट थर्टीन। और सी डी, सी डी की वैल्यू क्या आया है बच्चों? फाइव रूट टू। और बच्चों ए डी, ए डी की वैल्यू क्या आया है? रूट एटी फाइव। यहाँ सामने वैल्यू लिख लिया। अब बच्चों हम देख सकते हैं जो हमारा साइड आया है वो क्या आया है बच्चों? हर एक साइड अलग अलग आया है, तो हम यहाँ सभी कह नहीं सकते कि हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो इसके लिए बच्चों अभी हमको डायगोनल निकालना पड़ेगा। डायगोनल क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? ए सी और बी डी डायगोनल निकालेंगे। यदि बच्चों डायगोनल से हमारा कुछ आता है या कोलिनियर प्रूफ होगा तो उससे हम देखेंगे कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब बच्चों हम किसका वैल्यू निकालेंगे? एडी का वैल्यू निकालेंगे। ए सी डायगोनल क्या निकालेंगे बच्चों? डायगोनल निकालेंगे। यहाँ से बच्चों क्या निकालेंगे? ए सी की वैल्यू। अब ए सी की वैल्यू देखेंगे क्या है बच्चों? ए सी एक्स टू क्या है बच्चों? जीरो है, और एक्स वन क्या क्या है? माइनस थ्री है, इसका स्क्वायर प्लस। बच्चों वाई टू क्या है? थ्री है। वाई वन क्या है? फाइव है, क्या है? माइनस फाइव हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर टू क्या हो जाएगा बच्चों? ए सी क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? थ्री माइनस फाइव माइनस टू का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर टू किया जाएगा बच्चों? रूट में थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस टू माइनस टू का स्क्वायर फोर। बच्चों यहाँ ए सी स्क्वायर, ए सी क्या आ गया बोलो बच्चों? रूट थर्टीन। ए सी की वैल्यू क्या आ गया बच्चों? रूट थर्टीन आ गया। ए सी की वैल्यू क्या आ गया बच्चों? रूट थर्टीन। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे? बी डी की वैल्यू। बी डी, बी डी की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। बी डी क्या है बच्चों? बी डी एक्स वन एक्स टू क्या है? माइनस वन है, क्या है? माइनस वन है। अब क्या है बच्चों? एक्स वन की वैल्यू क्या है? थ्री है, इसका स्क्वायर प्लस। वाई टू क्या है? माइनस फोर है। वाई वन क्या है? माइनस वन है, इसका स्क्वायर। यहां से बी डी स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों? बी डी, बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस वन माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव का स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर क्या जाएगा बच्चों? रूट में माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस माइनस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव। तो बी डी स्क्वायर क्या गया बच्चों? रूट में छः पाँच ग्यारह दो एक तीन एक चार फोर्टी वन आ गया। अब बच्चों यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा डायगोनल है ए सी,
एसी की वैल्यू क्या आया है, रूट 13, और बीडी की वैल्यू क्या आया है, रूट 41। अब बच्चों हम देखेंगे, हम दो साइड को प्लस करते हैं, एक डायगोनल को और एक साइड को, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ए बी ए, नहीं बच्चों हम प्लस करते हैं किसको, ए सी को प्लस बी सी को, ये बच्चों साइड आएगा ए बी के, किसके साइड आएगा, ए बी के, बच्चों बी सी की वैल्यू क्या है, रूट 13 है, और बच्चों ए सी की वैल्यू क्या है, रूट 13 है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, साइड के ए बी, तो रूट 13 के। ठीक है बच्चों, बच्चों यदि हमारा कोई साइड, अब बच्चों यहाँ से ए बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा, मतलब बच्चों हमारा ए साइड बी साइड सी साइड बराबर है, मतलब बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, कोलिनियर, मतलब क्या बनाएगा, इट्स मैप कोलिनियर, कोलिनियर। बच्चों यदि कोई भी तीन साइड कोलिनियर बनाता है तो हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता है, क्या हो जाएगा बच्चों, इट्स नॉट मैक एनी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो चलिए बच्चों, हमने देखा कि क्वेश्चन 6 के सेकेंड पार्ट से कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, क्योंकि बच्चों साइड अलग है, अगर हमने डायगोनल डायगोनल प्लस किया एक साइड प्लस किया वहां से एक साइड के बराबर आता है, इसलिए बच्चों ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हमारा बराबर होगा, इसलिए इट मैच कोलिनियर, यदि बच्चों कोई भी साइड कोलिनियर बनाता है तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता है। तो चलिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन 6 का सेकेंड पार्ट भी खत्म होता है, अब बच्चों हम कौन सा